हेलो दोस्तों, मैं हूं काजल। मेरे पास जो है कंटिन्यू कमेंट आ रही है कि FCI पंजाब, जिसकी पोस्ट 860 निकली थी, 7 महीने उनको इंतज़ार करते हुए होगा, आखिर उनका एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा। तो आज जो है मैं आपको सारे सवालों के जो है गाइस जवाब देने वाली हूं। हरियाणा वालों का एग्ज़ाम 3 जुलाई को हो गया था, उनके तो इंतज़ार की हो गई है घड़ी समाप्त, अब उनकी तो आंसर की आएगी। लेकिन पंजाब वाले जिनका जो है 11 अक्टूबर से 10 नवंबर को जो है फॉर्म फिलअप किए गए थे, वो कंटिन्यू कमेंट करे जा रहे हैं होगा भी या नहीं होगा। तो मैं आपको जो है एक चीज़ दिखा देती हूँ गाइस। देखिए, मैंने FCI पंजाब को जो है मेल किया था, ठीक है, और उस मेल को मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ मेल पे जाती हूँ अपने जीमेल पर, यहाँ पर दिखा देती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम जो है आपके लिए परेशान नहीं रहते हैं। देखिए, मैंने मेल किया था, ये रहा मेरा मेल, आप देख सकते हैं यहाँ पे। व्यू डिटेल पर जाकर अच्छे से देख लेना, कभी सोचे कि कुछ ऐसी फेक वेक बता देते हैं, फेक नहीं रहता कुछ भी। देखिए, ये रहा information@theRateOfPunjab, ठीक है, इनको मेल किया था, ये मेरी ही आईडी ऊपर, ठीक है। और मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ, ये मेल मैंने किया था और अभी तक गाइस इसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, जिस पे लिख रहा था कि व्हेन विल द एग्ज़ाम FCI वॉचमैन पंजाब 2022 एडमिट कार्ड स्टेटस एक्टिव लिंक। मतलब मैंने इनसे पूछा था कि एडमिट कार्ड जो है कब आएगा FCI पंजाब वालों का, कब उसका एग्ज़ाम होगा। तो आप देख सकते हैं अभी तक इस मेल का जो है रिप्लाई नहीं आया है। रिप्लाई नहीं आने का मतलब समझ रहे हैं गाइस, FCI वॉचमैन हरियाणा वालों का जो मैंने मेल किया था, उनके मेल का जो है रिप्लाई मेरे पास आ गया था, ठीक है। और देखिए, उनका एग्ज़ाम भी हुआ। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको जो है किसी वहम में मैं रखना नहीं चाहती। मैंने आपसे कहा था कि अगर जुलाई के 2nd वीक तक कोई भी नोटिस जारी होता है तो समझ लेना आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई रिप्लाई तो आया नहीं है। तो समझ लीजिए, हो सकता है अब आपका जो एग्ज़ाम है गाइस कैंसिल हो जाए। जी हाँ, न्यू जो वैकेंसी आई है उसमें जो है आपकी पंजाब की जो वैकेंसी है वो ऐड कर दी जाए, हमें ऐसा पॉसिबिलिटी लग रही है। तो ये जो है कहीं ना कहीं हमारा 70% सही हो सकता है। हो, मैं जो है कोशिश यही प्रे करती हूँ 30% जो है ये गलत हो मेरी बात, लेकिन 70% गाइस ये सही है मेरी बात, ठीक है ना। तो आप जो हैं दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में जुड़ जाइए, या फिर जब FCI की नई रिक्रूटमेंट आएगी, अभी ऑफिशियल नोटिस तो आया नहीं है, तो उस ऑफिशियल नोटिस का आपको गाइस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आपका एग्ज़ाम जब ही होगा जब FCI की न्यू रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिस जो है जारी होगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये भर्ती रद्द सी ही हो गई है। और आप लोग भी मेल कर देना, मैंने तो खैर कर ही दिया आपकी तरफ से, मैं तो पूरी कोशिश ही करती हूँ देखो कि आप लोगों को जो है नोटिस पहुँचाती रहूँ, अपडेट देती रहूँ। अगर आप भी आपको कुछ कहना है या आपकी कुछ क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके गाइस ज़रूर बताना, ठीक है ना, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और गाइस, आप सभी को यूनिटी होना चाहिए, आप 1x1 जो है बिखरे बिखरे से रहते हो, यूनाइटी इज स्ट्रेंथ। सभी जो है एक साथ मिलकर मेल किया करो, ट्वीट किया करो, हो सकता है कि आपकी जो है भर्ती रद्द ना हो, आपका ये एग्ज़ाम हो जाए। बस इतना ही कहना था, अब चलते हैं गाइस, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई क्वेरी के साथ। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।